नमस्कार स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी एनएनडी फर्स्ट सेम। सो टुडे सेशन टॉपिक ऑफ योर कोर्स न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री इज योर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एंड माई सेल्फ साक्षी पांडे, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस। ओके, सो लाइक फर्स्ट आई विल लेट यू नो लाइक दैट द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म बोथ कम्स अंडर द मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस। So thereby I'm sharing the screen so that you may okay. So this is your metabolism. So metabolism, what is metabolism? It is a sum of an organism chemical reaction. It is an emergent property of your life. It arises from the interaction between the molecules within the cell. What's that mean? कि जो मेटाबॉलिज्म आपका होता है उसमें आपकी क्या होती है, सारी केमिकल रिएक्शन का समेशन होता है, मतलब एडिशन होता है, उनको मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। और मेटाबॉलिज्म आपका विद इन द सेल होता है, जिसके बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, तो दैट कॉजेज आवर लाइफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नाउ द सेकंड स्लाइड इज फॉर योर टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो एज इन योर सेशन टॉपिक्स लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट इज योर कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड द एनाबॉलिज्म। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, लाइक जो कैटाबॉलिज्म होता है इट इज ऑल अबाउट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर कंपाउंड। ओके, तो व्हाट्स दैट मीन, लाइक कि जो आपका एनर्जी रिलीजिंग का प्रोसेस होता है, एनर्जी को रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है, तो दैट एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस रिक्वायर सम मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक डाउन। तो कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म में आपके जो लार्ज मॉलिक्यूल है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उनका ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपल कंपाउंड्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ग्लाइकोजन का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन आपका क्या है, आपका लार्ज कंपाउंड है और वो क्या हो रहा है फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो आपने प्रोसेसेस पढ़े हैं इसमें। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वन बाय कंज्यूमिंग एनर्जी। इसमें क्या होता है, इसमें आपके एटीपीज कंज्यूम होते हैं और इसमें आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपके सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ कैटाबॉलिज्म। नाउ द कैटाबॉलिज्म इट्स लाइक द सेट ऑफ अ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दैट ब्रेक डाउन इनटू द लार्ज मॉलिक्यूल। द पर्पस ऑफ द कैटाबॉलिक रिएक्शन इज टू प्रोवाइड द एनर्जी एंड कंपोनेंट्स नीडेड बाय द एनाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, सो दिस इज ऑल योर कैटाबॉलिज्म। एंड एनाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ constructive metabolic processes where the energy releasing by the catabolism is used to synthesize the complex molecule. Okay, so ye aapka anabolism basic difference aapko which you have to be remember here is like ki jo catabolism hai usme to breakdown ho raha hai. theek hai, usme breakdown ho raha hai kiska, complex molecule ka, smaller molecules jisse ki energy release ho sake. एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, जिसका अपोजिट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज हो रहा है सिंपलर मॉलिक्यूल से बाय कंज्यूमिंग द एनर्जी। एनाबॉलिज्म के जो प्रोसेस होते हैं इसमें तीन स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट स्टेज जो इसमें होती है आपकी, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रीकर्सर। इसमें पहला स्टेज में आपकी प्रीकर्सर जो होते हैं, जैसे कि आपके अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स या न्यूक्लियोटाइड, उनका प्रोडक्शन होता है। सेकेंड क्या होता है इसमें, इसमें आपकी एटीपीज से एनर्जी जो होती है वो यूज होती है फॉर द एक्टिवेशन। एंड थर्डली क्या होता है इसमें, इसमें आपके जो प्रीकर्सर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के, जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन किससे बन रहा है, अमीनो एसिड्स की यूनिट से कंबाइन होके, पॉलीसेक्राइड किसकी यूनिट से बन रहा है, मोनोसेक्राइड्स की यूनिट से कंबाइन होके, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बन रहे हैं, लिपिड्स किससे बन रहे हैं, फैटी एसिड से बन रहे हैं। तो मतलब कि आपके छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड आपस में जुड़ के चेन बना के एक लार्ज मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहा है। तो ये आपकी तीन स्टेजेस में आपका एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। अदर देन दिस, दिस इज द बेसिक सेल। ओके, सो इन दिस डायग्राम एज यू कैन सी कि जैसे आपका यहाँ मेटाबॉलिज्म दिखा रखा है, तो अब इसके बिहाफ में आपके दो पॉइंट्स है, फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज योर एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में तो क्या हो रहा है, आपका लार्जर मॉलिक्यूल जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से या सेल वॉल और राइजोसोम से, उनका क्या हो रहा है, लार्जर मॉलिक्यूल जो हो रहे हैं उनका कैटाबॉलिज्म हो रहा है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फिर आपके एनाबॉलिज्म के थ्रू लार्जर मॉलिक्यूल्स में उनका कन्वर्जन हो रहा है। सो दिस इज द ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, इनमें आपके न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, एनाबॉलिज्म में आपकी हीट ज्यादा निकलती है,
सॉरी कैटाबॉलिज्म में आपका ज्यादा एनर्जी का यूज होता है, एनाबॉलिज्म में आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो और कैटाबॉलिज्म से आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आपके स्वीट आउट होते हैं बॉडी से. नाउ द मेटाबॉलिक पाथवे, अगर मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें कि कैसे दिस पाथवे लाइक दिस पाथवे इज अकर, मेटाबॉलिक पाथवे बिगिंस विद द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स एंड एंड विद द प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है और दूसरे प्रोडक्ट पे एंड होता है. ईच स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय द स्पेसिफिक एंजाइम्स. तो हर एक स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो आपकी स्टेप्स को कैटेलाइज करते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने बात करी कि फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल ए है, फिर इसमें आपके एंजाइम वन आ रहा है, एंड देन बी आपका प्रोडक्ट आ रहा है. ठीक है, एंड देन फिर सेकेंड एंजाइम एक्ट कर रहा है, रिएक्शन टू आ रही है, फिर सी आ रहा है, फिर थर्ड एंजाइम आ रहा है, रिएक्शन थर्ड आ रही है, फिर आपका प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज योर डी, दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट. तो ऐसे आपके मेटाबॉलिक पाथवे अकर होते हैं. अदर देन दिस, दिस इज द स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म. स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म किस किस की बता रखी है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की एंड लिपिड की. लाइक जो मेनली आपको फॉर अ बेसिक कंसर्न दैट यू शुड हैव नो, तो दिस इज द स्टेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म. कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है. कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो ये सिंपलर फॉर्म में हो रही है. तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कैटाबॉलिज्म हो रहा है. तो ग्लूकोज से आपके एटीपीज बन रहे हैं. ठीक है, और पाइरूवेट भी बन रहा है, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ी थी, दिस इज लाइक वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. अभी पाइरूवेट से एसिटाइल कोए बन रहा है. अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स है, तो प्रोटीन का भी आपका क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है, और अमीनो एसिड एसिटाइल कोए में हो रहे हैं, और इसके बाद आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम चल रहा है, एंड देन आपका यहाँ पे एनएडीएच, आपके जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो डेवलप हो रहे हैं. अब बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स में क्या है आपका, लिपिड आपके लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड अगेन इट्स क्लासिफाइड, और अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री फैटी एसिड्स, और फिर आपके एसिटाइल कोए बन रहा है, एंड देन फिर आपकी यही स्टेज कंटिन्यू हो रही है. दिस इज द नंबर वन स्टेज, नंबर टू स्टेज एंड नंबर थर्ड स्टेज. सो ये आपका मेटाबॉलिज्म का स्टेजेस होती हैं, और ये आपका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है. सो दिस इज ऑल विद योर लाइक द लाइक शेयरिंग स्क्रीन इज एंडिंग नाउ. And this is all with your like metabolism में आपके क्या processes होते हैं, and how you can know this process well. So in case of any doubt, you may ask in a comment section, and thank you for the session.